द प्योर सोल दैट दिस पर्टिकुलर बॉय हैज और किस तरीके से जब इनके फादर को एक रैटल स्नेक बाइट कर लेता है और उनकी जान बचाने के लिए वो एक डो को यानी एडल्ट फीमेल डियर को किल करते हैं उसके हार्ट और लिवर का यूज करते हैं टू सेव हिम और उसकी वजह से उनका जो बेबी डियर होता है जो डो का दैट इज द फॉन वो ऑर्फिन हो जाता है राइट अब उसके पास मॉम नहीं है टू टेक केयर ऑफ हिम तो ये चीज जो है बॉय के यानी जॉडी के दिमाग में हमेशा चलता रहता है कि कैसे वो फोन अब सरवाइव करेगा स्टाफ करेगा वो हंगर की वजह से उसे इश्यूज होंगे तो इसीलिए वो अपने फादर से परमिशन लेता है कि क्यों ना मैं जाऊं उस फोन को लेकर आऊं आई शुड रेज इट यानी मैं उसका ध्यान रखूं उसको बड़ा करूं बिकॉज उसकी मॉम जो है उन्होंने उसकी जान इस वजह से गई क्योंकि हमने अपने फादर की जान बचानी थी राइट right? तो इसीलिए हमारा फर्ज बनता है दैट वी शुड टेक केयर ऑफ दिस पर्टिकुलर बेबी डियर दैट इज फोन और इस तरीके से वो जाते हैं ही ब्रिंग्स द फोन बैक दे

जॉडी वॉज वरीड अबाउट द फोन दैट इज लिटिल बेबी डियर और जॉडी जो है इस वजह से बहुत टेंशन में आ गया था अबाउट दिस लिटिल बेबी डियर दैट इज फोन जॉडी कुड नॉट हेल्प एंड कंटिन्यूसली थॉट अबाउट द फोन अगेन एंड अगेन और उसको कितनी भी वो कोशिश कर ले रहा था तो वो इस चीज़ को अपने दिमाग से हटा ही नहीं पा रहा था कि बार बार उसके दिमाग में वो फोन ही आ रहा था बार बार उसका पिक्चर आ रहा था कि कैसे यू you नो know, हम उसको छोड़कर आ गए हैं उसका ध्यान कौन रखेगा ही हेल्ड हिम इन 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 आर्म्स आर्म्स ड्रीम्स ड्रीम्स ही ऑलवेज हैड थॉट्स हमेशा पूरा टाइम वो फोन उसके साथ ही था बिकॉज ही कुड नॉट जस्ट स्टॉप थिंकिंग अबाउट दिस पर्टिकुलर बेबी डी

Penny said to Jody that he was feeling proud of Jody as he stayed calm and did what was necessary. अब Penny जो है वो Jody को यही बोलते हैं कि I'm proud of you. मुझे बहुत अच्छा लगता है तुम्हारे तुम्हें देखकर इस तरीके से बिकॉज उस सिचुएशन में कोई भी बच्चा जो है पैनिक कर जाए बट जिस तरीके से तुम काम रहे जिस तरीके से तुमने यू you नो know, आराम से हैंडल की सिचुएशन आई एम वेरी प्राउड ऑफ यून फादर अबाउट द डो एंड जॉडी जो है रिमेंबर अबाउट दैट डो एंड पेनी टोल्ड जॉडी दैट हीट द डो हुविज लाइफ जॉडी टोल्ड इज फादर दैट द फोन मस्ज बी स्केर्ड एंड हंग्रो पेनी बोलते हैं ऑब्वियसली आई कैन नेवर फोगेट दैट पर्टिकुलर डो एडल्ट फीमेल डियर जिसकी से मेरी जान बची है तो इसी बात पे जॉडी बोलते हैं तो क्या आपको नहीं लगता कि जो फोन है वो अब हंगरी होगा भूखा होगा और वो जो है वहां पे डरा हुआ होगा बिकॉज वो छोटू सा राइट और उसकी मम्मा नहीं है अब उसके साथ तो वो बहुत डरा हुआ होगा और उसको बहुत भूख लग रही होगी

ट स्टाफ तो पेनी वॉज लाइक ये हमारी तरफ से गलत स्टेप होगा अनग्रेटफुल होगा अगर हम उसको ऐसे ही छोड़ देंगे स्टाफ करने के लिए एंड इट इज आर ड्यूटी कि हम उसको सेव करें ठीक है सो पेनी अलाउड द बॉय टू सेव दिस पर्टिकुलर एनिमल दैट इज द लिटिल बेबी डियर तो वो बोलते हैं ठीक है यू कैन गो आई गिव यू द परमशन ब्रिंग द फोन सो दै नो यू कैन टेक केयर ऑफ इट

बट वो ये चीजें बोल रहा था तो जो पेनी है ही ही फीलिंग वेरी प्राउड ऑफ सन एंड देन टोल्ड टोल्ड हिम जॉडी दैट यू शुड जस्ट टेल योर योर मॉम मदर कि मैंने परमिशन दी है बिकॉज ऑब्वियसली मॉम्स आर लाइक दे आर ऑलवेज केयर दैट हाउ कैन दे लीव अ चाइल्ड यू नो टू गो टू जंगल देन अगेन मॉम्स का ये भी होता है देन एवर वॉन्ट एन एनिमल टू बी देयर कोई पेट वेट भी लाना होता है तो मॉम्स आर ऑलवेज लाइक की नहीं नहीं हमें नहीं चाहिए बिकॉज उसका कौन ध्यान रखेगा राइट right?

it would be ungrateful to टू the फोन टू starve. तो वो मॉम को बताता है कि वही फोन जिसकी मॉम को जिस डो को यूज किया गया था टू सेव फादर्स लाइफ और पापा भी यही कह रहे हैं दैट इट वुड बी अनग्रेटफुल अगर हम उस फोन को वहीं पे छोड़ देंगे टू एंड टू जस्ट बी स्केड So, ये said, तो ये चीज सुनकर डॉक विल्सन ऑल्सो अग्री टू दिस एंड सेड नथिंग इन द वर्ल्ड कम्स फॉर फ्री तो वहां पे जो डॉक्टर विल्सन बैठे थे वो भी इस चीज पे अग्री करते हैं कि नहीं योर फादर एंड यू आर राइट या फिर पेनी एंड जॉडी आर करेक्ट कि कोई भी चीज फ्री में नहीं मिलती है तो अगर आपकी लाइफ सेव हो गई है तो वो फ्री में नहीं रहेगी आपको इसका कुछ पे बैक तो करना ही पड़ेगा सो यू नीड टू टेक केयर ऑफ द बेबी ऑफ दैट पर्टिकुलर डो और इस बात पे फिर जो मदर है वो इस चीज को भी समझती है कि अच्छा अ फॉर्ट अक यानी कि अगर तुम्हें बुरा लग रहा तुम्हें दया आ रही है 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 इस वजह से शायद तुम फोन को को वापस लेके आना चाहते हो। so अब क्या बोलती कि हमारे पास कुछ है नहीं उसको उसको खिलाने के लिए को बस दूध पिला सकते हैं और वो दूध भी जो है जॉडी तुम्हारे शेयर का जो जॉडी को दिया जाता था रोज दूध पीने के लिए वही शेयर करना पड़ेगा किसके साथ

तो यहां पर जॉडी जो है वो बोलते हैं वुड यू हेल्प मी टू फाइंड हिम ठीक है वो उसको ही बोलते हैं यानी वो लड़के का मेल का जेंडर बताते हैं तो इस वक्त जो मिल वील है वो बोलते हैं डेफिनेटली अगर फोन जिंदा होगा इफ दैट फोन वुड बी अलाइव आई एम गोइंग टू हेल्प यू टू फाइंड हिम बट तुम्हें पता कि वो वो ही है तो तो उस जॉडी बताते हैं phone, line, female, तो हैं दैट दैट पेनी टोल्ड हिम मेल फोन द स्पॉट्स आर आर ऑल इन 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 अ लाइन एंड फीमेल दे एवरी वे बोलते कि जो उनके फादर हैं जॉडी के उन्होंने बताया था कि जो भी ये डियर होते हैं उसमें मेल डियर पे जो स्पॉट्स होते हैं बॉडी पे वो एक सीक्वेंशियल लाइन में होते हैं ठीक है एक ऑर्डर में होते हैं बट फीमेल में वो स्पॉट्स एवरी विच डायरेक्शन यानी हर एक प्रॉपर ऑर्डर में नहीं होते और क्योंकि इस फोन को देखा था जॉडी ने और वो स्पॉट होंगे बिल्कुल सीक्वेंस में इसीलिए वो वो बोलता है वो है है। कि फोन क्या ही रीच site टू द साइट was बिटन बाय द snake.

कि वो मिलविल को आगे नहीं ले जाना चाहता ही डज नॉट वॉन्ट कि मिलविल शुड मूव अहेड विथ हिम और ही शुड ऑल्सो कम विथ हिम टू फाइंड द फॉर्म

So, that's why, uh, जब वो ये रहे कि अगर फॉर्चुनेटली मैं मिल लेता हूं उस फोन से तो जो वो मीटिंग होगी वो इतनी ब्यूटिफुलट वॉन्ट इट की कोई और भी उसको विटनेस करे सो दीज बर दू रीजन्स जिसकी वजह से उसने डिसाइड किया कि मिलविल को वो आगे अपने साथ नहीं लेकर जाएगा तो वो अब कन्विंस करने लगते हैं मिलवील को सो यील टू लीव हिम है देर एंड ही वुड गो अलोन टू फाइंड द फोन तो वो यही बोलता है कि क्योंकि वेजिटेशन बहुत हार्श है हॉर्स के लिए अच्छा नहीं रहेगा वो मूव नहीं कर पाएगा वहां पे, तो मैं खुद ही चला जाऊंगा मैं फोन को देख लूंगा यू कैन जस्ट लीव मी हेर यू कैन ड्रॉप मी हेर एंड देन आई जस्ट गो और मैं अकेले ही जाके उस फोन को ढूंढ लूंगा इनिशियली मिल वील रिफ्यूज टू लीव जॉडी अलोन बट लेटर ही वॉज कन्विंस्ड तो पहले मिलविल को लगता है कि बच्चा छोटा है ही कैन फोगेट द डायरेक्शन या फिर अनफॉर्चुनेटली अगर उसी स्नेक ने इसको काट लिया तो जॉर्डी को जिसने उसके फादर को काट लिया था तो वो चीजें सोचकर मिलविल वाज लाइक नहीं तो मैं तुम्हें यहाँ नहीं छोड़ सकता बट धीरे धीरे जब जॉडी ने उसको कन्विंस किया तो मिलविल कन्विंस हो जाते हैं एंड ही इज लाइक ओके मैं चला जाता हूं यहाँ पे तुम्हें छोड़कर एंड यू कैन जस्ट मूव अहेड

में बड़ा है यू हैव टोल्ड मी कि कैसे जाना है अब इस तरीके से मिलविल जो है वो वहां से जाने लगते हैं और जब तक वो होफ्स का साउंड यानी कि जो हॉर्सेस के होफ्स का साउंड होता है वो बंद नहीं हो जाता तब तक जॉडी वेट करते हैं ठीक है जैसे ही उनको ये साउंड जो है वो फेंट होता हुआ दिखता है एंड फाइनली वो स्टॉप हो जाता वो सुन नहीं पाते इसका मतलब वो बहुत दूर जा चुके हैं मिलविल और हॉर्स तो इसीलिए अब जॉडी जो है वो अपनी जर्नी कंटिन्यू करते हैं टू फाइंड द फॉन क्लियर So Jody waited for the sound of hoofs to end and then he went ahead. The scrub that was in front of him stood still. अब जैसे ही वो आगे बढ़ते हैं, तो वो देखते हैं कि जो vegetation है, वो बिल्कुल still है. कोई movement नहीं हो रहा, यानी वहाँ पर कोई भी नहीं है. जहाँ पे वो expect कर रहे थे उस fawn को. Clear? All right. Only the sound of a few twigs could be heard in the silence. He wondered for a second if he had mistaken his direction. Now what happens? जब वो मूव कर रहा है तो उसके खुद जब वो टकरा रहा है किसी ट्विक से या वो खुद मूव कर रहा है तो उसकी आवाज आ रही थी बस बाकी पूरी शांति थी अब ये जो सिनारियो था वो उसने पहला नहीं देखा था मतलब इससे बिल्कुल ऑपोजिट था जहाँ पे उसने फोन को देखा था राइटल स्नेक एंड एवरीथिंग जो भी कुछ हुआ तो उसको थोड़ी देर के लिए लगा जॉडी को कि मे बी उसने गलत डायरेक्शन चूज कर लिया है ही हैज काइंड ऑफ फॉरगॉटन कि यही सही वे है या नहीं then a large bird like vulture came in front of जॉडी and fluttered into the air. फिर एक बर्ड जिसे बजार्ड कहते हैं it is a very large bird जो एक वल्चर की तरह एक चील की तरह दिखती है और वो उनके सामने से एकदम से फ्लटर करते हुए उड़ते हुए गई So, से हवा में चली गई केम टू दैंड एंड क्लियरिंग फ्रॉम अंडर दिंग डो तो वो जो है धीरे धीरे क्लियर करते हुए बिल्कुल आगे मूव करते, you know, करते हुए जो भी बुशेज उनको आगे मूव करता है और देखता है कि ये जितनी भी बर्ड्स थी वो गोला बना के बैठी हुई है सर्कल बना के बैठी हुई है किसके अराउंड उस डो के कर क्या जो डो की डेड बॉडी थी जिस डो को किल किया था उसके अराउंड ये सारे बर्ड्स बैठे हैं बिकॉज दे ईट फ्लैश ठीक है सो दीज आर फ्लैश ईटिंग सो दे वर ईटिंग द फ्लैश ऑफ दिस पर्टिकुलर डो क्लियर नाउ द बर्ड्स लुक डेट जॉडी विद हेड्स दैट लेड ऑन द लॉन्ग नेक्स एंड हिम

There was no साउंड नो साइन अब वो फोन को ढूंढने की कोशिश कर रहा है तो वो हर जगह यू नो चीजें देखता है ग्रास पार्ट करता है वहां पे फुटप्रिंट्स को स्टडी करने लगता है हर जगह देखता है पर कोई भी साइन ऐसा नहीं था जिससे उसको पता चल सके की क्या पता फोन यही आस था या नहीं

ये जो बर्ड्स थी जो बजाज थी वो इम्पेशेंटली अपने विंग्स को फ्लैटर करने लगती हैं क्यों क्योंकि क्यों, क्यों वो अपने बॉडी को वो जो रखी हुई है उसको खाना चाहती है वो इम्पेशेंट हो रही है भूख लग रही होगी तो इस तरीके से वो क्लैक कर रही थी अपनी विंग्स को बट यहाँ पर जॉडी जो है वो पूरी कोशिश करते हैं टू तो फाइंड आउट कि क्या पता वो जो फुट प्रिंट्स है वहां पर छोटे हूब्स के प्रिंट यानी उस फोन के पैरों के प्रिंट्स दिख जाएं बट बिकॉज इट वॉज रेनिंग लास्ट नाइट द प्रीवियस नाइट तो इस वजह से उस बारिश में सारे फुटप्रिंट्स धुल गए थे वॉश अवे हो गए थे सिर्फ उस कैट फुटप्रिंट्स और वो जो

था और वो फोन जो है वो धीरे से जॉडी को देखता है और उसकी आंखें बिल्कुल ब्राइट सी सी लिक्विड हैं और उस तरीके से वो जो है एक एक वंडरिंग मोशन रिएक्शन देख रहा है बिकॉज जॉडी को जानता नहीं था सो so, वो उस तरीके से जॉडी को देखने लगता है इट वॉज शिवरिंग एंड सैट सिल एंड मेड नो एफर्ट टू रन और वो शिवर कर रहा था ऑब्वियसली एक छोटा सा बेबी उसकी मॉम भी नहीं थी इतने दिनों से तो वो डर रहा होगा और वो जो है वहाँ आराम से बैठ गया पर उसने भागने की भी कोशिश नहीं की कि भाई कोई दूसरा यू नो ह्यूमन बींग आया है कोई और दूसरा पर्सन है जिसको वो नहीं जानता तो एनिमल्स भाग जाते हैं बट दिस पर्टिकुलर फोन दिस स्मॉल बेबी वॉज नॉट ट्राइंग टू रन वो वहां पर चुपचाप स्टिल मोशन में बैठ गया था क्लियर ऑल राइट जॉडी ऑल्सो कुड नॉट मूव बट ही इट्स मी अब जॉडी भी अगर मूव करते तो और फोन तो वो भाग जाता तो जॉडी भी मूव नहीं कर सकता था इसीलिए जॉडी ने बड़े धीरे से फुसफुसा के विस्पर करके बोला कि मैं हूँ इट्स मी

फॉरवर्ड और जैसे ही वो टच करते हैं तो उससे फोन डिलीरियस फील करता है एक्साइटेड हो जाता है एंड ही ने उसके you know, आपने हाथ रख दिए और इसको देख के फोन जो है वो डरा नहीं था बिकॉज एनिमल्स गुड सेंस कि आप उनको हार्म करने के लिए कर रहे हो या आप सच में उनको प्यार से सहला रहे हो सो दिस फोन वॉज लाइक कि हाँ ये मुझे प्यार से ही टच कर रहा है सो so इसीलिए वो फ्राइटेड नहीं था वो डरा हुआ नहीं था द फोन स्किन वॉज सॉफ्ट स्लीक एंड क्लीन एंड सेंट ऑफ ग्रास

सो बिकॉज ऑफ दैट वो वेट जो था फोन का उसके लिए डिफिकल्ट हो रहा था जॉडी के लिए कि वो बुश को हटाए उसको बाहर लेके जाए बट दें टू ही वॉज ट्राइंग हिज बेस्ट और वो पूरी कोशिश कर रहा था कि ये जो नुकीले वाइन्स हैं जो प्रकलिंग वाइन्स हैं वो उसको चुभे नहीं वो थॉर्न्स उसको चुभे नहीं तो उसको शील्ड यानी उसको प्रोटेक्ट करे थे उसके फेस को ही रीच द ट्रेल एंड वॉक डाज पास डाज ही कुडिल ही केम टू द इंटरसेक्शन विद द रोड होम और फिर वो धीरे धीरे यू नो पहुंच जाता है उस ट्रेल तक उस पाथ तक जो कि एक इंटरसेक्शन था एक मीटिंग पॉइंट था जो कि उसके घर से थोड़ा सा ही दूर था He stopped to rest and set the फोन down on its dangling legs. अब थक चुका था जॉडी तो उसने क्या किया फोन को नीचे रखा और थोड़ा वो ब्रेथ लेने की कोशिश करा started crying. अब ये फोन रोने लगा कि मुझे क्यों उतार दिया तुमने ठीक है He got attached, right? कि कोई तो आया जो प्यार से यू you नो know, ध्यान रख रहा है उसका तो वो डर गया कि उसने उसको क्यों उतार दिया जॉडी ने सो द जॉडी टोल्ड द फोन दैट ही वुड कैरी इट वंस ही बिट ऑफ रेस्ट तुम बोलता है मी जस्ट कैचअ द ब्रेथ मेरे को थोड़ा रेस्ट लेने दो फिर मैं तुमको उठाकर ले जाऊंगा जॉडी रिकॉर्ड दैट इज फादर है बिट फर्स्ट तो जॉडी के फादर ने उनको ये बताया था हाँ पेनी ने कि अगर आप फोन को अपने हाथ में थोड़े टाइम के लिए लेकर चलते हो और थोड़ी देर बाद अगर आप उसको नीचे रख देते हो तो वो आपको फॉलो करने लगता है तो ये चीज जो है उसके फादर ने उनको समझाई थी जॉडी को तो नाउ ही इज तो गोइंग टू तो का तो तो प्रैक्टिकली वो उसको देखना चाहते थे आफ्टर हिम तो धीरे धीरे जॉडी वॉक करना चालू करते हैं और फोन जो है वो उसको घूर घूर के देख कि अरे ये तो मुझसे दूर जा रहा है जॉडी केम बैक टू इट एंड फॉरवर्ड अगेन फिर जॉडी उसके पास गए और फिर से वो आगे चलने लगे तो अब क्या होता है

और ये फीलिंग उसको आ रही थी जॉडी को बिकॉज वो उसको छोड़ ही नहीं रहा था फोन उसके पीछे पीछे जा रहा था जॉडी वॉज वेरी हैप्पी टू सी दिस ही कुड नॉट इवन थिंक प्रॉपरली एंड क्लियरली और ये चीज देख के वो बहुत खुश हो जाता है वो ओवर जॉइड हो जाता है और इसीलिए उसकी चीज उसको समझ ही नहीं आती है कि क्या करना चाहिए मुझे बिकॉज ही वॉज वेरी हैप्पी टू सी दिस जॉडी वॉन्टेड टू कैरियस इट लविंगली रन एंड प्ले विद इट एंड कॉल इट टू वर्ड्स हिम बट ही डिड नॉट वॉन्ट टू फ्राइटन इट तो जॉडी जब ये चीज देखते तो इतना खुश जाता है उसको लग रहा था मैं उसको प्यार से सहलाऊं उसके साथ खेलूं कूदूं बट उसको डराऊं नहीं ठीक है यानी वो ये सब चीजें करे तो उससे डर ना जाए बिकॉज वो बेबी डियर उसको आदत नहीं है सब चीजों की तो वो इतना खुश हो जाता है जॉडी सब देखकर एंड ही जस्ट वॉन्टेड एफर्टलेसली फिर जब उसको लगा कि नहीं अब ठीक लग रहा है तो फिर वो फोन को उठाते हैं अपने हाथ में जॉडी और फिर वो आगे चलने लगते हैं अगेन ही हैड टू स्टॉप एज हिज आर्म्स स्टार्टेड एकिंग और ऐसे फिर उसके हाथ में दर्द होने लगता है अगेन वो फोन को नीचे बिठा

अब वो को सोच रहा था कि fawn को पीछे पीछे ले मेरे पीछे लेकर मेरे मेरे फादर के बेडरूम था बट क्योंकि अब स्टेप्स थी स्टेयर्स थी यानी सीढ़ियां थी और इसको आदत तो है नहीं छोटा सा डियर और ऑब्वियसली जंगल में स्टेयर्स तो होती नहीं है तो ये वाइल्ड एनिमल था इसको कोई हैबिट नहीं थी इट वॉज अनविलिंग एंड दिया सीधे नहीं मैं स्टेयर्स पे नहीं चढ़ूंगा

पेनी वॉज वेरी हैप्पी एस्ट जॉडी वॉज एबल टू फाइंड द फोन एंड बिकॉज जॉडी डिड डू इट ठीक है ना वो जो करना चाहता था वो सच में करके आया उसने ढूंढ लिया फोन को ये देखकर पेनी वॉज वेरी हैप्पी एंड ही वॉज अ प्राउड फादर जॉडी वेंट टू द किचन एंड फोन जॉर्डी ने एक दैन तो मॉर्निंग फ्रेश मिल्क रखा हुआ था पैन में तो उसको देखा उसने की उसमें पूरी मलाई जम गई है क्रीम है तो वो उसको स्किम करता है हटाता है क्रीम को एक जग में डालता है एंड देन पोर्ड द मिल्क इन टू द गोड एंड कैप्ट इन फ्रंट ऑफ द फोन और फिर वो एक कंटेनर में गोड में उसको दूध को पोर करते हैं और उसको फोन के सामने रख देते हैं कि भाई ताकि वो दूध पी पाए इट बटेड एंड स्मेल इट द फोन वॉज नॉट एबल टू ड्रिंक द मिल्क अब वो क्या करता है वो अपने सर से उसको मार रहा था दूध को उसको स्मेल कर रहा था बट वो पी नहीं पा रहा था दूध गोड में से तो वो गिर जाता तो जॉडी जो है वो उसको बचा लेते उस कंटेनर को गिरने से एंड देन जॉडी डिप्ड फिंगर्स इन द मिल्क एंड पुट देम इन दिन सॉफ्ट वेट माउथ और जॉडी को समझ आ गया था कि भाई इसको इशू आ रहा है फोन नहीं पी पा रहा है दूध तो उन्होंने फिंगर्स डिप किया और उसके मुंह में डाले ताकि वो सक करके उस मिल्क को पी पाए क्लियर ऑल राइट

तो नेक्स्ट टाइम जब जॉर्डी उसके माउथ में फिंगर्स डालते हैं तो धीरे से उसकी जो हेड uh, है उसको धीरे से उस गोड की तरफ ले आते हैं ताकि वो सक करके उस दूध को पी ले द फॉर्म बिकेम इम्पेशन ब्लू द मिल्क एज डेट एंड मेड साउंड बहुत impatient हो गया था क्योंकि उसको बहुत भूख लग रही थी तो वो उसको सक कर रहा था दूध को उसे आवाजें आ रही थी जब वो दूध पी रहा था It stamped its hoof impatiently. As long as long he held his fingers, the fawn was content. फेल्ड felt overwhelmed on feeling its tongue against his hand, and its small tail moved back and forth. तो जब भी उसकी फिंगर्स हटा रहा था जॉर्डी से उसको बहुत बुरा लग रहा था वो रोने लग रहा था impatient हो जा रहा था कौन Fawn. और वो उसको हिट कर रहा था अपने head से बट क्योंकि उसको बहुत भूख लगी थी इस वजह से ये सब चीजें हो रही थी बट जब वो फिंगर्स होते थे मुंह में देन ही वाज सेटिस्फाइड ही वाज वेरी हैप्पी तो जॉडी जो है उसको भी बहुत अच्छा लग रहा था व्हेन ही कुड फील दैट ऑन हिज

इस टॉपिक की नोट्स की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग बाय